टाटा एस है हमारे। तो हेलो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि आप टाटा एस कैसे चला सकते हो। जितने की मैं वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि वो टोटली आपको कैसे चलाए वो बताए। सबसे पहले बात की गाड़ी का स्टेयरिंग इधर होता है, ये स्टेयरिंग। तो आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है बाहर से। गाड़ी के अंदर इतनी चीज़ें होती है। ये सेटअप ड्राइवर के साइड बाजू बैठने वाला सीट है, और ये देख रहे हो अभी इसके नीचे इंजन रहता है हमारे गाड़ी का। और ये पीछे देखने का इधर ऐसा डोर है, उसके बाद इधर एक है डोर। तो उसके बाद ये गाड़ी का स्टेयरिंग है, और आप देख सकते हैं ये गाड़ी का मीटर है। जैसे आप गाड़ी का चाबी चालू करोगे तो आपको दिखाई देगा इधर, ये देखिए, ये मैंने गाड़ी का चाबी चालू कर दिया है। इधर आपको ये फ्यूल का दिखाता है, और इधर किलोमीटर कितना गाड़ी घुमा है, और ये स्पीडोमीटर है। उसके बाद इधर लगता है आपको गाड़ी का हीट कितना हुआ है। और स्टेयरिंग के नीचे ठीक इधर चाबी लगाने का ये रहता है स्विच, और है इसका राइट साइड में इंडिकेटर। ए साइड के है तो इंडिकेटर लगता है, लेफ्ट साइड के है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगता है। और जैसे ही आप इधर देखो मैं घुमा रहा हूँ, इधर का लाइट चालू होता है मीटर का, ये देखिए चालू हो गया है। उसके बाद आपको ए साइड आपको वाइपर का दिखता है, अब वाइपर इधर हाई और लो करने को आता है। उसके बाद ये इसका राइट साइड का मिरर है, पीछे देखने को आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड का मिरर ये साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। और ये इधर इसके नीचे गाड़ी का कूलेंट रहता है डालने का, ये कूलेंट का डब्बा है। उसके बाद ये गाड़ी है 5 गियर का रहता है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट गियर है, ये सेकेंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, और ये रिटर्न लगता है। तो जैसे कि तो गाड़ी का गियर कैसे डालते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, ये इसका रहता है क्लच, ये रहता है इसका ब्रेक। तो गाड़ी को आपको चलाने के लिए आपको ये 3 बातें में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये रहता है एक्सीलेटर, जैसे आप इसको दबाए तो गाड़ी एक्सीलेट होता है, इसको छोड़े तो गाड़ी एक्सीलेटर का कम होता है। ये रहता है ब्रेक, आपको ब्रेक दबाने के लिए आपको ऐसे यूज़ करना है, आपको ये पाँव दोनों के लिए यूज़ करना है, ऐसा और ऐसा यूज़ करना है आपको। उसके बाद ये रहता है आपके लेफ्ट साइड में आपको पाँव का ये रहता है क्लच, आपको ऐसे दबा के आपको गियर डालना है, ऐसे छोड़ने का है, गियर डालने का तो कुछ छोड़ना का है, सिर्फ इतना ही काम रहता है इसका क्लच का। और ये मेरे है ब्रेक, और ये रहता है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच। तो इस गाड़ी का इधर रहता है ये रहता है एक्सीलेटर, तो ये रहता है ब्रेक, और ये रहता है क्लच। इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे छोड़ते हैं। अगर आपको गियर डालना है तो आपको गियर लगाना पड़ेगा, उसके बाद गियर दबाने से पहले आपको इधर क्लच दबाना पड़ेगा, गियर डालने के बाद आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये रहता है मेरे पाँव में ये ब्रेक, इसको ऐसे दबाने पड़ता है, इसके बाद ऐसे छोड़ने लगता है। इसके बाद ये रहता है एक्सीलेटर, आपको गाड़ी चलाना है तो आपको ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये है एक्सीलेटर गाड़ी का, ऐसे दबाते हैं इसको और ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद ये ब्रेक, उसके बाद इधर आता है तीन क्लच, ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लच ऐसे दबाते हैं ऐसे छोड़ते हैं। अभी मैं आपको गियर कैसे डालते हैं ये बताता हूँ। ये गाड़ी का ब्रेक गियर लीवर है, तो आपको इधर दिख रहा है क्लच, आपको कभी भी एक क्लच दबाने के बाद ही आपको गियर डालना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और रिटर्न है, ये देखिए ऐसा हिलता है तो ये न्यूट्रल में है गाड़ी। आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो आपको क्या करने का है, पूरा वो साइड घुमा को पहला ऐसा घुमाए तो फर्स्ट लगता है, उसके बाद ये ऐसे किए न्यूट्रल लगता है, उसके बाद ऐसे किया तो सेकेंड गिरता है, अभी ये सेकेंड गियर गिर चुका है। उसके बाद आपको थर्ड गियर डालना है तो आप सीधा ऐसे सीधा नीचे खींचे तो ऐसा किए तो ये थर्ड गियर गिरता है, उसके बाद ये फोर्थ गियर इधर गिरता है। आपको रिवर्स लगाना है तो पूरा ऐसा ए साइड घुमा के ऊपर ले तो ये रिवर्स गियर लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोले तो आप जिधर भी गाड़ी ठहरे करते हो तो आपका हैंड ब्रेक लगता है, ये रहता है इसका हैंड ब्रेक। तो मैंने ये अभी गाड़ी ठहरी हुई है मेरी, इधर ये हैंड ब्रेक ऊपर खींचा हुआ है। आपको कभी भी गाड़ी चलाते हो तो आपको ये हैंड ब्रेक इसे नीचे करना ज़रूरी होता है। तो आपको हैंड ब्रेक लगाना है तो आपको सीधा सीमिंग पूल को ऊपर खींचे तो ये गाड़ी का हैंड ब्रेक लगता है, और ऐसे नीचे गए तो छूटता है। ये गाड़ी का लेफ्ट साइड का डोर, ये गाड़ी का लेफ्ट साइड का डोर है, और ये डोर का ये रहता है ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए, ये रहता है देखिए।
ये ऊपर नीचे ऐसे होता है, इधर देखो हो रहा है, पूरा ग्लास नीचे होगा, अगर अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चढ़ जाता है ग्लास। तो मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ, स्टीयरिंग के नीचे इसका गाड़ी चालू करने का स्विच रहता है, ये देखो चाबी है, वैसे स्विच को एक बार घुमाना है तो इसका इग्निशन चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ही बार ऐसे घुमाना दबा को, इसको दबाने के बाद गाड़ी चालू हो जाएगा। ये गाड़ी चालू हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप गाड़ी चालू हो चुका है। अगर आपको पॉइंट गिराना है तो आप मैंने आपको देख सकते हो, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल है, ये रहता है इसका क्लच। तो आपको गाड़ी को पॉइंट गिराना है तो आपको ये क्लच दबा के पूरा दबा के बाद आपको इधर पॉइंट गिर डालना है। ये देखो मैं आपको पॉइंट गिरा दो, गाड़ी गियर में चल चुका है, ये देखिए गाड़ी आपके आगे जा रहा है। सीधा में जाऊंगा गाड़ी को, पेट्रोल पंप है, मैं भी पंप पे जा रहा हूँ डीजल डालने।